आपकी मैथ्स की बुक में जस्ट आफ्टर जस्ट बिफोर बिटवीन सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते बेटा। पेज नंबर है आपका 23। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। जैसे आफ्टर का मीन्स होता है बेटा बाद में, एंड बिफोर का मीन्स होता है पहले। तो चलिए देखिए, इसमें आपका फर्स्ट जो है वो करके दे रखा है उन्होंने। 5 इज जस्ट आफ्टर 4, दैट मीन 4 के बाद क्या आता है 5। एंड 8 इज जस्ट बिफोर 9, बिफोर मीन्स पहले होता है, तो 9 से पहले क्या आता है 8। वैसे ही आपका नेक्स्ट है इज जस्ट आफ्टर 6, 6 जो है 6 के बाद में क्या आता है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 7, 7 आता है ना। ऐसे यहाँ पे है इज जस्ट बिफोर 5, यानी कि 5 से पहले क्या आता है, क्या आप सबको पता होगा 4 आता है। अब ये वाला और ये वाला आपको खुद से करना है। अब हम आगे आते हैं, 4 इज जस्ट आफ्टर, यानी कि तो 4 इज जस्ट आफ्टर 4 किसके बाद आता है, तो हम सबको पता है ना 3 के बाद आता है। नेक्स्ट है आपका 3 इज जस्ट आफ्टर, यानी कि 3 किसके बाद आता है 2 के बाद आता है। वैसे ही आपको ये रीड करने हैं और खुद से यहाँ पे फिल करने हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे, बिटवीन। बिटवीन मतलब जो आपको दो नंबर दे रखे होंगे उनके बीच में क्या आता है। तो जैसे ये है इज बिटवीन 2 एंड 4, 2 एंड 4 के बीच में क्या आता है, अब देखिए 2 के बाद आपका आता है 3, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, तो 2, 3, 4। वैसे आपका ये वाला है इज बिटवीन 1 एंड 3, तो 1 एंड 3 के बीच में क्या आता है 2, 1, 2, 3। ओके क्लास, अब आपको पेज नंबर 23 आपकी बुक में होमवर्क में करना है। ओके, और इसकी पिक क्लिक करके स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करो। बाय।